किल कोरोना अभियान को लेकर रविवार को इंदौर में योजना के बारे में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई, जिसमें मोबाइल ऐप के माध्यम से घर घर जाकर सर्दी खांसी डेंगू बुखार मलेरिया कोरोना सहित 11 बीमारियों का सर्वे किया जाना है। बेटमा क्षेत्र में जिला प्रशासन ने इसी के तहत गुरुवार से किल कोरोना अभियान शुरू किया है। इसके तहत सर्वे टीम घर घर जाकर कोविड 19 के मरीजों को ढूंढेगी। इसके अलावा डेंगू मलेरिया डायरिया के मरीजों को भी सर्वे में लिया जाएगा। जिला स्तरीय सर्वे के बाद किल कोरोना वायरस अभियान के तहत अब राज्य स्तरीय सर्वे किया जा रहा है, जिसका औचक निरीक्षण आज देपालपुर SDM प्रतुल सिन्हा द्वारा किया गया, जिसमें मेडिकल ऑफिसर वीरेंद्र सिंह चौधरी और बेटमा नगर परिषद अधिकारी राजा यादव सहित कर्मचारीगण भी मौजूद रहे। प्रशासन ने लोगों से सही जानकारी देने की अपील की है। बेटमा से संवाददाता की रिपोर्ट। आज से किल कोरोना अभियान की शुरुआत हो रही है, जिसके तहत जो टीम का गठन किया गया है, जो सर्वे दल हैं वो घर घर जा कर के सर्वे कर रही हैं। इनको कोविड 19 ऐप जो है उस पर सर्वे करना है, कोरोना से संबंधित जानकारी लेनी है। इसके अलावा जो अभी मौसम है उसमें मलेरिया और डेंगू की बीमारी भी काफ़ी संख्या में होती है, तो ये भी हाई रिस्क जो बीमारियाँ हैं इसको भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, और यदि किसी व्यक्ति को ऐसी कोई बीमारी होगी तो उसका आइडेंटिफिकेशन करके अलग अलग लेवल पे उसकी एक प्रक्रिया निर्धारित है कि कहाँ पे हमको सैंपलिंग करनी है, कहाँ पे हमको फीवर क्लिनिक भेजना है या अदर हॉस्पिटलाइजेशन कराना है। जिसको जैसी आवश्यकता होगी डॉक्टर वो तय करेंगे, जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं, और इसके आधार पर मरीजों के इलाज की व्यवस्था की जाएगी। इस सर्वे की जो रिपोर्ट है उसकी मॉनिटरिंग लगातार वरिष्ठ स्तर पर होगी, तो इस अभियान को महत्व देते हुए सभी से ये अनुरोध है कि वो सही जानकारी दें। यदि कोरोना को पूरी तरीके से हमको ख़त्म करना है तो सभी लोगों की सहभागिता बहुत ज़रूरी है, और आपके माध्यम से हम सभी लोगों से ये अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं कि जब सर्वे दल के सदस्य उनके घर पे जा रहे हैं तो वो बिल्कुल सही सही जानकारी दें। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी खांसी या बुखार या अन्य किसी प्रकार के कोई लक्षण है, कोई बीमारी है, तो उसकी जानकारी निश्चित रूप से सर्वे दल को दें। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार अभी 1 जुलाई से 15 जुलाई तक घर घर जाके कार्यकर्ताओं द्वारा, स्वास्थ्य आशा कार्यकर्ता या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा घर जाके उनके मोबाइल ऐप में फीवर से संबंधित, बुखार से संबंधित और सर्दी खांसी बुखार, मतलब कोरोना और बुखार, कोरोना एवं मलेरिया और डेंगू का सर्वे हर घर घर जाके किया जाएगा। हर वार्ड वाइज या गांव वाइज एक आशा कार्यकर्ता और एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की टीम बनाई गई है, जो घर जाके सर्वे करेगी कि किसी को सर्दी खांसी बुखार तो नहीं है, या सर्दी खांसी बुखार के साथ सांस लेने में तकलीफ तो नहीं है, वो 7 दिन के अंदर अगर ऐसी समस्या है तो उसकी एंट्री करेगी। अगर किसी को बुखार ठंड लग के आ रहा है तो मलेरिया की फॉर्म भरेगी, एंट्री करेगी, और अगर किसी को डेंगू के लक्षण है जैसे बुखार के साथ तेज बुखार के साथ उसको शरीर पे चपते आ रहे हैं, ज़्यादा बदन में दर्द हो रहा है, अपन उसका सस्पेक्टेड डेंगू केस रहेंगे। और जो ये सर्दी खांसी बुखार और सर्दी खांसी बुखार के सांस लेने वाली तकलीफ रहती है, इनको इनके ऊपर एक सुपरवाइजरी टीम रहती है जो NM की रहती है, जो ये निकालेंगे जितने लोगों को सर्दी खांसी बुखार या सांस लेने तकलीफ, उनको जाके उनके घर जाके सुपरवाइजरी टीम उनका टेम्परेचर देखेगी, उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर से देखेगी, और अगर उनको लगता है कि उसको सही में लक्षण और हैं तो उनको सैंपलिंग भी लेंगे अपन कोरोना का, और उनको अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको भर्ती भी कराएंगे, होम क्वारंटाइन भी करेंगे, और अगर उनको इलाज दे के छुट्टी करना तो वो है। पर चूँकि अभी सर्दी खांसी बुखार और सांस लेने में तकलीफ वाला जो 7 दिन के अंदर है, उनके सभी के अपने को सैंपल लेना है। एवं दूसरा जो चीज़ अभी जैसे मलेरिया की अगर कोई सस्पेक्टेड निकलता है तो उसको वही ANM वाली जो सुपरवाइजिंग टीम है वहीं पर मलेरिया की जाँच करेगी, और ज़रूरत पड़ती है उनकी घर पर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको दवाई भी देगी, और अगर कुछ ज़्यादा स्थिति होगी तो वो अस्पताल में फीवर क्लिनिक होगी। और तीसरी चीज़ जिसको डेंगू है, डेंगू के लक्षण मिलते हैं उनको, अगर वो सर्वे में निकलता है तो सुपरवाइजरी टीम उनको यहाँ पे फीवर क्लिनिक में भेजेंगे, यहाँ से उनका सैंपल लेके इंदौर PCCT अस्पताल में भेजेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।